नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका टैग मास्टर तबाही न्यूज में। आज हम सवाल करेंगे एक ऐसे ब्रांड पे जो लोगों के दिलों से उतरता जा रहा, जिसने अपने पैसे तो बढ़ाए हैं लेकिन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी घटाई। तो ये रहा अगला सवाल आपसे, क्या आप एक वन प्लस फैन हो? क्या आपने भी 11T का वेट किया और निराशा हाथ लगी? और क्या आप भी उम्मीद में हो कि वन प्लस 12T आएगा? और क्या आप भी अगले फ्लैगशिप किलर का उम्मीदवार ढूंढ रहे हो? तो खुश हो जाओ क्योंकि हम ले आए हैं उम्मीदवार 12T कहलाने का। हाँ, इसके ऊपर S3 Pro लिखा है क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली चाइना के रास्ते से इम्पोर्ट करवाया है, लेकिन ग्लोबली ये जब भी लॉन्च होगा तो 12T या फिर 13R के नाम से लॉन्च होगा। तो उससे पहले कि इसकी सारी चीजें खोल के मैं आपके सामने रख दूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि उसके बाद मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी और ज्यादा अच्छा रिव्यू हो जाएगा। सबसे पहले जो नई नवेली चीज है वो है इसका डिजाइन। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है? भाई नया नहीं होने के बावजूद भी नया है। अभी मेरे पास ये है वन प्लस 12। अब इसके कंपेयर में जब आप इसको देखोगे तो जो इनकी कैमरा फ्रेम है वो मोल्ड होके इसकी फ्रेम को टच कर जाती है और ये उभरा हुआ दिखता है, लेकिन इस बार वाला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लगेगा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये सिर्फ लाइन है, ये बिल्कुल भी बैक ग्लास से उठा हुआ नहीं है और ये कैमरा रिंग जो है वो अब फ्रेम से अलग हो चुकी है। हमारे पास ये प्योरली ग्लास बैक के साथ है, लेकिन ये सिरेमिक और वीगन लेदर के साथ भी आता है। फील बिल्कुल मस्त ही है, प्रीमियम है, कर्व डिस्प्ले है, साथ ही में लाइट वेट नहीं होने के बावजूद भी लाइट वेट है। आगे चल के बताऊंगा कैसे। अगर डिस्प्ले की ही बात करें तो इसके अंदर 6.78 इंचेस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है और ये एक LTPO पैनल है। जो एक OnePlus की फ्लूडिक एमोलेड डिस्प्ले होती है, सेम वही इसके अंदर भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। कंटेंट कलर्स डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बोरियत हो जाती है जब आप देखोगे कि OnePlus 11 भी ऐसा ही दिखता है, 12 भी ऐसा दिखता है, डिस्प्लेस भी ऑलमोस्ट सेम है और जो इन हैंड फील है उसके अंदर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेम है। बाकी यूजफुल सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। IR ब्लास्टर है, OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर भी है जिसके अंदर आप साइलेंट रिंग मोड या फिर नॉर्मल मोड में कर सकते हो, और जो इसके हैप्टिक्स हैं वो एक नॉर्मल फोन के बजाय काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपको बहुत अच्छा फीडबैक देंगे और इंक्लूड करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और क्योंकि ये हमारे पास एक चाइनीज वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर वो सब कुछ मिलता है जो कचरा हमने इंडिया से बहुत पहले साफ किया था, जैसे यूसी ब्राउजर, टिकटॉक भरा हुआ। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैमराज की। इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है विद 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर सोनी IMX890, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। 2024 के टाइम पे प्रीमियम मिड रेंज में 2 मेगापिक्सल का कैमरा देने के लिए वन प्लस को दिल से गालियां। बंद कर दो भाई ये सब, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आप ला रहे हो वहां पे ये सब सूट नहीं करता। हमने इसके मेन और अल्ट्रा वाइड से बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं, जिस प्राइस रेंज में आएगा उस हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छी पिक्चर्स विद डिटेल। और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। अब OnePlus के अंदर बेकार कैमरा मिले ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन जब तक ये इंडिया में आएगा तब तक इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम ऐड हो चुके होंगे इंडिया के हिसाब से। और ये है इसका 4K 60fps बैक से काफी स्मूथनेस ऐड कर रखी है इसने डेफिनेटली। देखो हाथ लाते ही इसके ऊपर फोकस आ जाता है, बाकी सारे ब्लर हो जाते हैं, और जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा इंस्टेंट फोकस है लिटरली, देखो इसको। और साथ ही में कलर शिफ्ट भी बिल्कुल नहीं है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। इवन मैं थोड़ा सा दौड़ के दिखा देता हूँ जिससे आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है इसके फ्रंट से, 1080p 30fps ओनली। देखो मैं उंगली कभी और हिला रहा हूँ, इसमें हिल कभी और रही है। 60fps 1080p में भी नहीं है, ये बहुत बेकार चीज़ है। और भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ ये चीज़ नहीं मिल रही है, बहुत बहुत ही गलत है। किसी चीज़ का बहाना दे ही नहीं सकती इसमें कंपनी। बात करें अगर इसकी ताकत की तो इसके अंदर है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3। अब इतनी कमाल पावर अपने अंदर ये सिमेटे हुए है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग में तो कोई कमी नहीं आने वाली। और इसके नंबर्स, इसके स्कोर्स भी बिल्कुल वही चीज कहते हैं, 2 मिलियन 20 लाख से ऊपर स्कोर निकल के आए हैं। CPU थ्रोटल टेस्ट 84% विच इज गुड। और इसके नंबर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुकते हैं, हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12GB 256GB है, बल्कि ये 24GB रैम के साथ भी आता है और 1TB स्टोरेज आपको मिल जाती है, UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज और LPDDR 5X बेस्ड रैम है। नंबर्स नहीं बता तो सीधा बता देता हूँ, हर चीज में हार्डवेयर बेस में इसको कोई नहीं हरा सकता।
इवन जब आप इसमें हाई एंड गेम्स भी खेल रहे हो जैसे एसपोर्ट 9 BZMI तो ये एकदम हाई एंड सेटिंग्स पे आपको रन करवा देगा 90 FPS पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंसन इंपैक्ट के साथ इन्होंने स्पेशल कोलैब करा है तो रिजल्टेंट आपको जो फ्रेम मिलते हैं वो 120 FPS तक मिल जाते हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस का तो लेवल डेफिनेटली अलग ही है। और जो वन प्लस की स्ट्रेटेजी रही है कि भाई प्राइस भले ही बढ़ जाए जो ओवर द पीरियड बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन हार्डवेयर के साथ इन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, सॉफ्टवेयर का भट्टा बैठा दिया, विच इज अ डिफरेंट थिंग। और सबसे तगड़ी चीज जो इसके अंदर लगी है वो है इसका बैटरी डिपार्टमेंट। इसके अंदर है 6100 यानी 6100 mAh की बैटरी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये भारी होके भी बिल्कुल भी भारी नहीं है, भाई इस लेवल की इंजीनियरिंग करी है और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे स्टैंडर्ड बनने वाला है नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि 5500 mAh तक हमने देख लिया है जो अगले साल फ्लैगशिप्स में आएगा और ये मिड रेंज और अपर मिड रेंज में 6000 या 6500 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और इस मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके बॉक्स में आता है 100 वोल्ट की ये चार्जिंग ब्रिक जो इसको 40 मिनट के अंदर 90% चार्ज कर देती है। और साथ ही इसमें वाईफाई 7 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 भी है। तो लिटरली ये एक कंप्लीट पैकेज है इन टर्म्स ऑफ पावर, डिस्प्ले, लुक, एट द सेम टाइम इंडिया में आने के बाद सॉफ्टवेयर भी और कैमरा। ये चाइना में लॉन्च हुआ है 3199 yuan में, कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्टली बनते हैं 40,000 rupees। और इस प्राइस रेंज में अगर ये इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो इसकी टक्कर का परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन कोई होगा ही नहीं। इवन तो वन प्लस के साथ आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है, साथ में कैमराज भी अच्छे हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो नॉट ओनली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन, ये एक ओवरऑल कैटेगरी को टारगेट करता है और 40,000 में एप्पल और सैमसंग के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। रिजल्टेंट एकमात्र ब्रांड बचता है जिससे आप एक रेपुटेटेड स्मार्टफोन खरीद सकते हो। अभी तो ये जो फोन है इसके अंदर चाइनीज सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, चाइना में कलर ओएस ही रन करता है, ऑक्सीजन ओएस इंडिया में आने के बाद इसके अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इंडिया में एटलीस्ट आ जाए क्योंकि लास्ट ईयर का वन प्लस एस टू प्रो भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। फिर चाहे ये वन प्लस 12T बन के आए या फिर 13R, बस इंडियन ऑडियंस के हाथों में लगना चाहिए। बाकी आप नीचे कॉमेंट करके बताओ कि आप कौन सा वन प्लस का फोन यूज कर रहे हो और अभी तक वन प्लस से प्यार है कि प्यार कहीं और शिफ्ट कर लिया है आपने। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।